शख्स कीर स्टार्मर, इनके बारे में जानेंगे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता के रूप में जीत हासिल की। लेबर पार्टी के 14 वर्षों के सूखे को समाप्त करते हुए कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से किया बेदखल। आज इनके बारे में पढ़ते हैं। बचपन में सुपर बॉय कहे जाने वाले कीर वाम विचारों के समर्थक हैं। वह एक प्रसिद्ध वकील, कुशल खिलाड़ी और संगीत प्रेमी भी हैं। कभी राजनीति छोड़ किताबें बेचने की सोच रहे थे, पर आज वह ब्रिटेन की राजनीति के शिखर पुरुष बन गए हैं। वह एक वकील हैं जिन्होंने ब्रिटिश राजघराने की ओर से आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा लड़ने से पहले शाकाहार समर्थकों का बचाव करने को प्राथमिकता दी। वह युवावस्था में पूंजीवाद विरोधी ट्रॉट्स्की पत्रिका के संपादक थे, फिर भी उन्होंने इस साल लेबर पार्टी के मंच से दिए गए अपने भाषणों में धन सृजन को बढ़ावा देने की बात कहकर पूंजीपतियों को खुश किया। वह लेबर पार्टी के इतिहास में पहले नेता हैं जिन्हें नौकरी मिलने से पहले सर की उपाधि मिली। राजशाही विरोधी होने के बावजूद उन्हें अब सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से ब्रिटिश क्राउन से मुलाकात करना होगा। 1990 के दशक में वे मैकडोनाल्ड्स और दो पर्यावरण कार्यकर्ताओं हेलेन स्टील और डेविड मॉरिस के बीच 10 वर्षों तक चलने वाले एक कुख्यात मुकदमे मैकिलबेल की वजह से चर्चा में थे, जब सामाजिक कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता से वंचित किए जाने के बाद अदालत में अपना प्रतिनिधित्व खुद करने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उनका साथ दिया सर कीर स्टार्मर ने। ये वही कीर स्टार्मर हैं जिनका सम्मान विरोधी दल के नेता भी करते हैं। इन्होंने ब्रिटेन की राजनीति में तहलका मचाते हुए कंजर्वेटिव पार्टी का 14 वर्षों का वर्चस्व तोड़ा और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के रूप में जीत हासिल की। राजनीतिक करियर की शुरुआत करने से पहले उन्होंने मानवाधिकार मुद्दों पर काम करने वाले असाधारण बैरिस्टर के रूप में ख्याति अर्जित की थी। उन्हें 2010, 2015, 2017 और 2019 में चुनावी हार का भी सामना करना पड़ा था। और जानते हैं इनके बारे में। नास्तिक हैं, हर रविवार खेलते हैं फुटबॉल। भगवान में आस्था नहीं रखने वाले कीर स्टार्मर ने स्वास्थ्य और पर्यावरण कारणों से पिछले 30 सालों से मांसाहार का सेवन नहीं किया। उनकी पत्नी विक्टोरिया भी शाकाहारी हैं। हालांकि स्टार्मर ने हाल ही में मछली खाना शुरू किया है। स्टार्मर फुटबॉल प्रशंसक होने के साथ शौकिया खिलाड़ी भी हैं। वह आज भी हर रविवार दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्हें कई बार बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्ड जनरल नाम से भी बुलाया जाता है। परिवार, पढ़ाई और शादी के बारे में जानते हैं। स्टार्मर का जन्म 2 सितंबर 1962 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। पिता रॉडनी स्टार्मर एक कारखाने में टूल मेकर थे और माँ जोसेफिन स्टार्मर एक नर्स थी। उनकी माँ स्टेल्स डिजीज नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थी। पिता कट्टर वामपंथी थे, इसलिए लेबर पार्टी के पहले संसदीय नेता जे कीर हार्डी के नाम पर उनका नाम कीर रखा। सरे में पले बढ़े और रीगेट ग्रामर स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने 1985 में लीड्स विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट एडमंड हॉल ऑक्सफोर्ड से सिविल लॉ में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्टार्मर अपनी पत्नी विक्टोरिया को विक कहकर बुलाते हैं। उन्होंने 2007 में विवाह किया था। पेशे से दोनों वकील हैं। दंपति के 2 बच्चे हैं। वह अपने परिवार के पहले डिग्रीधारी सदस्य भी हैं। संगीत प्रेमी सुपर बॉय कीर के माता पिता पशु प्रेमी थे जो गधों का संरक्षण करते थे। जब भी कोई भाई बहन घर से बाहर जाता था तो उसकी जगह एक गधा रख देते थे जिससे उनकी कमी महसूस नहीं होती थी। कीर ने बांसुरी, रिकॉर्डर, पियानो और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल की है। उन्होंने डीजे और प्रसिद्ध रिकॉर्डर निर्माता फैट बॉय स्लिम के साथ वायलिन सीखा। पढ़ाई, खेलकूद के साथ संगीत में भी उनका प्रदर्शन शानदार होने के कारण उन्हें ग्रामर स्कूल का सुपर बॉय बुलाया जाता था।
स्टार्मर मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनका पालन पोषण एक तंग कंकड़ पत्थर से बने टूटे फूटे घर में हुआ था। जब वह पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लंदन गए तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। इसके चलते उन्हें वेश्यालय की छत पर बने कमरे में रहना पड़ा था। छोटा सा वह कमरा काफ़ी गंदा था और आसपास बहुत शोर था। छोटे से उस किराए के कमरे में रहकर भी उन्होंने भविष्य के सपने देखना नहीं छोड़ा।